डांगरी के पीड़ितों की मुसीबतें नहीं हो रही कम। कातिल आतंकियों का पता ना चलने पर हुए गमजदा। जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार तक पहुंचाई व्यथा। मां शारदा के जयकारों से गूंज उठा सीमावर्ती टिटवार। वहीं पर श्रृंगारी मठ के शंकराचार्य ने मंदिर में की पूजा अर्चना। श्रद्धालुओं ने की शारदा पीठ कॉरिडोर के निर्माण की मांग। जम्मू नगर निगम की कार्यप्रणाली पर बिफरी नेका। प्रांतीय अध्यक्ष ने भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा दिया करार। स्मार्ट सिटी की आड़ में लोगों को छलने का आरोप। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन की। इस साल की शुरुआत में राजौरी जिले के ढांगरी इलाके में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों की आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों को उनके अंजाम तक ना पहुंचाए जाने का गम इन लोगों की आंखों में साफ देखा जा रहा है। सरकार ने हालांकि इन लोगों की मदद तो की है, लेकिन कातिलों का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। मृतकों के परिजनों ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी व्यथा को मीडिया के जरिए सरकार तक पहुंचाया। क्या कहना था इनका, इस पर जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता रितिका ठाकुर। और वहीं पर आप देख सकते हैं कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये की गई है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्योंकि राजौरी के ढांगरी इलाके में जो हमला हुआ था, आतंकी हमले से हर कोई खौफजदा हो गया था, गमजदा हो गया था। इस बीच जो परिवार हैं जिन्होंने अपने अपनों को खोया था इस पूरे हमले में, उनका ये कहना है कि अभी तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया है, और उन्होंने इसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ मांगे सरकार से की गई हैं और उनका क्या कहना है कि जल्द से जल्द अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वो किस तरीके से अब आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, मीडिया तक बात पहुंचाई जा रही है, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ रितिका यहाँ पर जुड़ चुकी हैं। तो रितिका से जानते हैं, रितिका आपसे जानना चाहेंगे कि आज परिजनों द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो की गई है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ चीजें थी जो कि सरकार से वो मांगते हुए नजर आए, सरकार से प्रार्थना करते हुए नजर आए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 1 जनवरी को जम्मू कश्मीर के राजौरी में डांगरी में आतंकियों के द्वारा हमला किया गया था। पहले यहाँ पे फायरिंग की गई थी, उसके बाद IED ब्लास्ट किया गया था जिसकी चपेट में 9 लोग आए थे, जिसमें से 7 लोगों की मृत्यु हो गई थी, एक छोटा बच्चा भी इसमें शामिल था। इसी में दीपक और प्रिंस भी शामिल थे जो कि युवा थे, और दीपक और प्रिंस की माँ जो है वो आज मीडिया के सामने निकल के, ये जो 4 साल का छोटा बच्चा मारा गया था उनकी जो माता है वो आज मीडिया के सामने निकल के, उनका कहना है कि इंसाफ तो उन्हें नहीं मिला, लेकिन एक प्रकार की हरासमेंट जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि जब भी कहीं पे एनकाउंटर होता है या ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो आतंकियों को पहचान करने के लिए, आतंकियों को देखकर पहचानने के लिए उन्हें बार बार पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है, जबकि पहले ही वो बता चुकी थी कि आतंकियों का चेहरा उन्होंने नहीं देखा था क्योंकि चेहरे जो थे वो ढके हुए थे, बाकी उंगलियां जरूर उन्होंने पुलिस को बता दिया था। लेकिन वहीं पर मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और सरकार से मांग की जा रही है कि जो आतंकी हैं या जिन्होंने इस पूरे हमले पर साजिश की थी उन तक आवाज पहुंचाने की बात कही जा रही है, तो सरकार का क्या इस पर किसी तरीके की अब प्रतिक्रिया आने की संभावना जताई जाती है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज बहुत पहले से इसको लेकर मांग भी करती आ रही हैं और वो परिजनों को सपोर्ट भी करती आ रही हैं क्योंकि सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जाता है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जब ये हमला हुआ था तो अमित शाह का दौरा यहाँ पे हुआ था, रविंद्र रैना का दौरा यहाँ पे हुआ था, LG मनोज सिन्हा का दौरा भी यहाँ पे हुआ था, और ये बात कही गई थी कि इस मसले को हम अपना मसला समझ के संभालेंगे, और साथ ही साथ 15 दिनों का समय बताया गया था कि 15 दिनों में पूरी कार्रवाई होगी और जिन्होंने ये हमला किया है, मासूमों की जान ली है, उन्हें जरूर उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। परंतु आज पूरे 5 से 6 महीने होने को आ चुके हैं, ना ही उन आतंकियों के विषय में कुछ बात कही जाती है, और साथ ही साथ ऑन ग्राउंड जो वर्कर्स
भी इनके मददगार हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी के खिलाफ नाराजगी जो है इन परिवारजनों ने स्पष्ट किया है कि जो लोग इन्हें पनाह देते हैं, जिन लोगों ने उन आतंकियों को पनाह दी थी, उन्हें आज तक क्यों नहीं पकड़ा गया, उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसकी जानकारी इन्हें क्यों नहीं दी जाती, जबकि इन्हें बार बार खुद उन्हें फोन करना पड़ता है जानकारी प्राप्त करने के लिए और बदले में इनके फोन भी नहीं उठाए जाते हैं। और ऐसे में हो सकता है कि अब सरकार कोई प्रतिक्रिया दे, परंतु अभी तक की बात करें तो पूरी शांति ही छाई हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रितिका इस पूरे मामले पर तमाम जानकारी देने के लिए। ये थी हमारे साथ रितिका ठाकुर। और वहीं पर जिस तरीके से ढांगरी में जो हमला हुआ था, आज तक परिजनों का ये कहना है कि उन्हें इंसाफ नहीं दिया गया। हालांकि सरकार ने बहुत मदद की है उन लोगों की, लेकिन फिर भी जब तक आरोपियों को नहीं पकड़ा जाएगा तब तक इन लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा। कश्मीर घाटी के कुपवाड़ा सेक्टर के टटवाल इलाके में स्थित शारदा मंदिर आज मां के जयकारों से गूंज उठा। श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य बुद्धेश्वर भारती जी ने आज वहां पर पहुंचकर पूजा अर्चना की और लोगों को अपना आशीर्वाद दिया। खास बात यह रही कि इस मंदिर में आज पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के अलावा कई पर्यटक भी पहुंचे और इस प्राचीन मंदिर में शीश नवाकर धर्म के प्रति अपनी आस्था जताई। हर किसी ने करतारपुर कॉरिडोर की तर्ज पर शारदा पीठ तक कॉरिडोर स्थापित करने की भी जरूरत पर बल दिया। कुपवाड़ा से हमारे संवाददाता साहिल शमीम ने वहां लोगों से बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं कि लोगों का क्या कुछ कहना है। शारदा मंदिर में इस वक्त जो है पूजा पाठ हो रही है, तो हिंदुस्तान के जो मठ है यानी कि शंकराचार्य जी जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। वही अगर हम बात करें कि ज़िले एडमिनिस्ट्रेशन ने तमाम तर सहूलियात यहाँ पर रखी हुई है। इस तरह से यहाँ पर जो है ज़ायरीन पहुँचे हैं, यहाँ पर इस वक्त पूजा पाठ हो रही है। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे कहाँ से आए हैं और यहाँ पर किस तरह का माहौल इनको लग रहा है, क्योंकि ये बैरून रियासतों से यहाँ पर आए हैं। जी सबसे पहले वेलकम है, आप हमें बताया कि आप यहाँ पर आई है यानी कि ये जीरो लाइन यहाँ पर पूजा पाठ हुई है, क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं तो ये बोलेंगी बहुत अच्छी तरह से हुआ है ये, बस वो लोकेशन है कि हम जीरो पॉइंट पे है, अदरवाइज नॉर्मल लग रहा है। चाहे कि हम किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में पूजा करते हैं, इधर भी ऐसे ही फील हो रहा है। हम दो दिन हुए हैं यहाँ पे आके रुके हुए, हमें कुछ डिफरेंस नहीं लग रहा है। आपको किस तरह लग रहा है, क्योंकि आप जीरो लाइन पे इस वक्त खड़ी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा, मैं लास्ट ईयर भी आई थी यहाँ पे तो बहुत ही सही रहा। इस बार भी मैं कुछ ऐसा कुछ नहीं है। देखो पीस की बात करते हैं, पीस होना, अमन होना चाहिए। अमन है तभी तो आज यहाँ पे आज खड़े हम लोग, अगर नहीं होता तो हम यहाँ पे होते ही नहीं फर्स्ट लाइन पे। तो बिल्कुल सही है, ऐसे मिलजुल के रहो, हम भी पूजा करें वो भी अपना करें, तो हमें कोई नहीं है, इतराज़ नहीं है। बस सबका अपना अपना है कि एक ऊपर वाला है और कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल, मैसेज देना चाहती हूँ, आप सभी आइएगा, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बस श्रद्धा के मन से आइए, बाकी सब कुछ ऐसा ही है, यहाँ पे कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। सबसे बड़ी यहाँ पे जो लोकल्स है बहुत ही हेल्पफुल है, कोऑपरेटिव है, वो बोलते ही अपने आस्था के लिए आए तो बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बोलती हूँ सबको आना ही चाहिए, अपनी श्रद्धा के लिए आइए, दर्शन कीजिए यहाँ पे। बाकी LOC है वो एक माइंड सेट होता है, ऐसा कुछ नहीं है, आइए साहब, बोलते सारे आइए दर्शन कीजिए। मैं ये अपील करूँगी कि जहाँ पे जो कह रहे कि जो मेन शारदा पीठ है वहाँ के लिए बिल्कुल रास्ता होना चाहिए, सबकी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए वहाँ जाने के लिए। हम ये कोशिश करेंगे और प्रार्थना करेंगे माननीय गृह मंत्री से कि यहाँ करतारपुर साहब कॉरिडोर की तरह एक शारदा पीठ कॉरिडोर बनाया जाए, जिससे कि यहाँ के श्रद्धालु जो है हमारे देश के, हमारे इंडिया के, वो सारे इसी थ्रू कॉरिडोर के उस पार जाए, वहाँ माता के दर्शन करें। और साथ ही जो हमारी प्राचीन यूनिवर्सिटी है वहाँ शारदा, माँ शारदा यूनिवर्सिटी, उसको रिन्यूट किया जाएगा, रिन्यूएशन किया जाएगा, एक बिल पार्लियामेंट में लाई जाएगी हमारे कि हम उस यूनिवर्सिटी को रिन्यूएट करेंगे, दोबारा चलाएंगे और हमारे बच्चे यहाँ के, चाहे कश्मीर के हो, चाहे J&K से बाहर हो, जम्मू के हो, श्रीनगर के हो, कुपवाड़ा के हो, दिल्ली के हो, मुंबई, सारे बच्चे वहाँ जाएँ और पुराने ज़माने की तरह डिग्रियाँ लाएँ, खुश होते हैं कि जो हमारे पुरानी ये ऐसे धरोहर है, चीज़ें हैं, इनको देखकर। तो नाज़रीन, जिस तरह कि आपने सुना कि यहाँ पर जो है कश्मीरी पंडित भाइयों ने हमारे साथ बात की, यानी गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात की, इनका ये साफ तौर मानना है कि बहुत खुश लग रहे हैं ये लोग और जितने भी यहाँ पर ज़ायरीन पहुँचे हैं वो भी बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हालांकि हम इस वक्त जो है ज़ीरो लाइन पर खड़े हैं, यानी कि टिटवाल सेक्टर में हम खड़े हैं, बिल्कुल यहाँ पर जो है, यहाँ पर आज पूजा पाठ हुई है और मन्नतें मांगी गई है और बिलखसूस जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो है
है दुआ मांगी गई है कि अमन अमान भाईचारा जो है वो कायम व दायम रहे। साहिल शमीम, गुलिस्तान न्यूज़, टीथवाल, कोपार। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय अध्यक्ष रतनलाल गुप्ता ने जम्मू नगर निगम को भ्रष्टाचार का अड्डा करार दिया है। रतनलाल गुप्ता ने जम्मू नगर निगम पर निशाना साधते हुए कहा कि जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर छला जा रहा है। ये आरोप उन्होंने आज जम्मू में आयोजित बाहु और जम्मू साउथ विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान लगाए। रतनलाल गुप्ता ने बताया कि जम्मू के लोग बिजली पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन जम्मू नगर निगम लोगों की समस्याओं का समाधान करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। आज जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो एक करप्शन का अड्डा बना हुआ है, लोगों को परेशानियां पानी की, बिजली की, या गली कूचों के अंदर जो हालत देखी है, सफाई की पोजीशन देखिए कि जम्मू शहर के अंदर किस ढंग से चल रहा है। मैं समझता हूँ स्मार्ट सिटी का जो नाम दिया जा रहा है जम्मू को, वो जम्मू के लोगों को ठगा जा रहा है। क्या तरक्की की है इन्होंने, क्या नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, कितने पानी के प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। आप बिजली की हालत देखिए, जो ट्रांसफार्मर लगे हैं सब स्टैंडर्ड है, बिजली की तारें जो लगी हैं सब स्टैंडर्ड है। तो आज वक्त यही आया हुआ है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन आए, एक अच्छे लोग चुनके आए। इसी सिलसिले में आज यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे साथी कॉर्पोरेटर जीत के जाए और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अपनी मेजॉरिटी बनाए। केंद्र सरकार द्वारा जनहित में शुरू की गई योजनाओं के लिए जारी की जा रही राशि का कितना सही तरीके से उपयोग किया जा रहा है, जम्मू में आज आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में इसकी समीक्षा की गई। सांसद जुगल किशोर शर्मा और राज्यसभा सांसद गुलाम नबी खटाना ने जिला जम्मू के अधिकारियों के साथ आज दिशा की बैठक पर इस राशि की पाई पाई का हिसाब लिया। केंद्र द्वारा शुरू की गई विकास परियोजनाओं पर अभी तक कितना काम हो पाया है और इस बैठक में इसकी जानकारी भी ली गई। मीटिंग थी, हम सब जानते हैं कि केंद्र द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लिए जो फंड्स आते हैं, जो स्कीम है सेंटर स्पॉन्सर स्कीम्स के लिए जो पैसा आता है, वो पैसा जो है वो सही समय और सही प्रोजेक्ट पर लगे, समय अवधि के दौरान ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हों, उसकी एक रिव्यू मीटिंग जो थी वो जिला जम्मू की हमने आज रखी थी, जिसमें बड़े ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा जो है हुई है। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे वो रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट हो, नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट हो, रिंग रोड का प्रोजेक्ट हो, या फिर हमारा जो एक्सप्रेस हाईवे आ रहा है उसका प्रोजेक्ट हो, बड़े बड़े फ्लाई ओवर जो है जम्मू में बन रहे हैं उनको लेकर सभी विषयों पर चर्चा हुई है, और इनमें और तेज़ गति से काम हो उसके लिए प्रयास जो है किए गए। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे कार्य रहते हैं जिन पर लोगों की शिकायतें भी रहती हैं, उन पर भी चर्चा होती है। जी, आज दिशा की मीटिंग थी जम्मू ज़िला की, और जम्मू ज़िला जो है ये सिटी ऑफ टेंपल्स है, और रिलीजियस प्लेग्राम के एतबार से, और अमरनाथ की आमद पे, और इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं ये ज़िला के अफसरों की और सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स की जो रिव्यू मीटिंग्स थी, और इनकी अमरनाथ के लिए और रिलीजियस प्लेग्राम के लिए और जम्मू ज़िला के जो और अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स हैं किसान के लिए हैं, मजदूर के लिए हैं, सोशल वेलफेयर के हैं, जहाँ अदर स्कीम्स हैं, उनका अफसरों का और उवाम का कम आपस में वो गैप कम हो जाए, और इस तरह का और अफसरों का काफ़ी एंथोजियम पाया गया और लोगों को सेवा की भाव का, और थोड़ा ये टूरिंग भी करते हैं, और हमने और कहा है कि अपने दफ्तर जो हैं वो पानी बिजली या डेली एमिनिटीज़ जो हैं उनके लिए अपने दफ्तर को ऑफिस को खुला रखें। दो
तो चलिए अब आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करवाते हैं और मुगल रोड को लेकर अब ये खबर सामने आ रही है जहां पर 8 दिनों के बाद मुगल रोड को यातायात के लिए एक बार फिर बहाल कर दिया गया है और मुगल रोड पर 2 तरफा यातायात बहाल हो गया है और रत्ताछंब इलाके में 8 दिनों पहले पहाड़ दरकने से जो मार्ग था वो बंद हो चुका था, जिसके बाद से काम चल रहा था कि जल्दी से जल्दी यातायात बहाली की जाए और अब मुगल रोड को 8 दिनों के बाद यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है और इस बार ये भी बताया जा रहा है कि 2 तरफा यातायात के लिए मुगल रोड को बहाल कर दिया गया है और रत्ताछंब इलाके के पास से जो लैंडस्लाइड थी वो हुई थी, जिसके बाद काम चल रहा था कि यातायात को बहाल किया जाए और अब 8 दिनों के बाद मुगल रोड एक बार फिर खुल गया और अगर मौसम साजगार रहा तो इसी तरीके से मुगल रोड खुला रहेगा। तो चलिए आइए तमाम जानकारी के लिए आकाश मलिक हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो आकाश से जानते हैं। आकाश, आपसे जानना चाहेंगे पूरी जानकारी कि अब क्या कुछ एडवाइजरी जारी हुई है मुगल रोड को लेकर, 8 दिनों के बाद मुगल रोड खुल चुका है जिसके बाद से अब यातायात की बहाली भी हुई है। हाँ जी पल्लवी, मैं आपको बताता चलूं, इस वक्त जो है मुगल शाहरा पे गाड़ियों की रफ्तार जो है बिल्कुल तेज हो चुकी है। इस वक्त जो ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए मुगल रोड को एक बार फिर से ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया है, क्योंकि पिछले कई दिनों से डिप्टी कमिश्नर हो और तमाम जो है मुगल रोड डिपार्टमेंट हो इस मुगल रोड पे जो है काफी तेजी से काम कर रहे थे, क्योंकि यहाँ से दूर दराज इलाका पीर पंजाल के जितने भी लोग हैं इनको श्रीनगर जाके मेडिकल फैसिलिटी के हवाले से बात करें, जैसे स्टूडेंट्स की बात करें, इनको दूर दराज इलाका जम्मू से होके जाना पड़ता था। आज जो है इस वक्त जो है अभी अभी जो है मुगल रोड को जो है ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए अभी जो है खोल दिया गया है। जी बिल्कुल, आपसे आकाश ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि अगर मौसम साजगार रहता है तो मुगल रोड इसी तरीके से खुला रहेगा, तो मौसम के क्या कुछ अंदेशे बने हुए हैं, खासकर बात करते हैं पुंछ राजौरी के पास, तो मौसम के क्या कुछ हाल बने हुए हैं? आज पल्लवी, मौसम के हवाले से बात करें, इस वक्त मौसम जो है आज थोड़ा सा बारिश का मौसम इस वक्त है और मुगल रोड की बात करें और मुगल रोड पे जो इस टाइम जैसे मैंने पहले भी बताया ट्रैफिक को खोल दिया गया, वहीं पे लोगों ने ये मांग की है कि इस ट्रैफिक को 12 महीने ही खुला रहना चाहिए, क्योंकि जैसे कि पिछले कई दिनों पहले भी एक बात चली थी कि मुगल रोड में जो है टनल बनाया जाएगा, लोगों की ये मांग है कि इस टनल को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। वहीं पे जो है लोगों ने कहा है कि इस 6 महीने तो ये रोड खुली रहती है और 6 महीने बंद रहती है, और जो 6 महीने ये रोड खुली रहती है उसमें भी 1.5 या 2 महीने ये रोड बंद रहती है, क्योंकि बड़ी बड़ी लैंडस्लाइड आती है और यहाँ पे मशीनरी जो है ग्राउंड लेवल पे मशीनरी की कमी होती है, जिसकी वजह से उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से मांग की है कि इस पे जो है इस रोड पे जो है बड़े पैमाने पे मशीनरी जो है पहले ही जो है रखी जाए। जी जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकाश इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। और वहीं पर अब हमें 8 दिनों के बाद मुगल रोड की बहाली देखने को मिली है और 8 दिनों के बाद यातायात के लिए मुगल रोड को 2 तरफा खोल दिया गया है। जम्मू के मीरा साहिब में आज संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली में धरने पर बैठे पहलवानों के समर्थन में प्रदर्शन किया। इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा ने सांसद बृजभूषण शरण सिंह का पुतला जलाकर अपने गुस्से का इजहार किया। वहीं पर इस प्रदर्शन की अगुवाही कर रहे किसान नेता कॉमरेड किशोर कुमार भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि एक और सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा है, तो वहीं पर दूसरी ओर बेटियों के साथ शोषण करने वाले सांसद का बचाव करने पर भी कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। भाजपा सरकार की कथनी और करनी में बेहद अंतर है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार जो है ये मोदी सरकार जाग जाए, मुल्क भर में आज पुतले फूके जा रहे हैं कि इसको गिरफ्तार किया जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार आज बेटियों पे हो रहे शोषण के लिए बाहर क्यों नहीं आ रही? मोदी सरकार क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही उसको? ये झूठी सरकार है, जुमलों की सरकार है, ये झूठ बोलती है जनता के साथ, इन्होंने मुल्क के साथ धोखा किया है। हम इस सरकार को इस मुल्क के अंदर नहीं रहने देंगे। जो सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाली सरकार जो है, जो बेटियों का ध्यान नहीं रख सकती है, हमारी माताएं अपनी बहनें हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं है इस मुल्क के अंदर, और इस सरकार की वजह से, ये सरकार जो मोदी की सरकार है और सरकार ने पूरे मुल्क को तबाह करके रखा है, इसलिए आज हमारी मांग है कि बृजभूषण शरण को गिरफ्तार किया जाए। उसी के संदर्भ में आज हमने देश भर में मुल्क भर में पुतले फूके जा रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चा के। जम्मू के 4 प्रमुख अस्पतालों में डायलिसिस के लिए उपयोग में लाए जाने वाले RO वाटर प्लांट अपग्रेड कर दिए गए हैं।
सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जीएमसी एसएमजीएस अस्पताल और गांधीनगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगे वाटर प्लांट अपग्रेड हो गए हैं ताकि डायलिसिस के मरीजों को समय पर यह सुविधा दी जा सके। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सुधन शर्मा ने आज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आरोपा वाटर प्लांट का निरीक्षण करने के बाद बताया कि डायलिसिस के में पेश आ रही दिक्कतें अब पूरी तरह से दूर कर ली गई हैं। अनइंटरप्टेड सर्विसेज रखने की पूरी कोशिश की जाती है हर लेवल पे और पहले ही सोच लिया जाता है। वही वजह थी कि टाइमली हमने जो एडिशनल प्लेटफॉर्म्स एसएमजीएस में कभी हुआ नहीं करता था या फिर मेडिकल कॉलेज के मरीज यहाँ लाए जाते थे या कहीं कोविड के मरीज गांधीनगर हॉस्पिटल लिए जाते थे तो हमने वहाँ पे वो सुविधाएं क्रिएट की थी, तो उस वजह से ये सिचुएशन बिल्कुल नियंत्रण में है। लेकिन यहाँ का जो आरओ वाटर प्लांट है उस पर भी पूरे कंपनी के लोग, जो फ्रेजिलियस कंपनी है, वो बैठे हुए हैं। इंजीनियर्स, हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी पूरा लगा रहे हैं। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ या एक्शंस जो हैं साइमल्टेनियसली इसलिए लिए जाते हैं, जब भी कोई दिक्कत हो तो उसको ओवर एड्रेस किया जाता है। लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के मकसद से विश्व भर में आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी आज विश्व पर्यावरण दिवस पर कई गतिविधियां आयोजित कर लोगों से पर्यावरण का लिहाज करने की अपील की है। आज ही के दिन मिशन लाइफ के तहत 20 मई से आयोजित गतिविधियों का भी समापन हुआ। जम्मू सूबे के तमाम जिलों में आज आयोजित कार्यक्रमों के दौरान पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों का ज्ञान बढ़ाने के साथ साथ प्रतिबंधित प्लास्टिक के दुष्प्रभावों की जानकारी भी दी गई। इसके अलावा कई जगहों पर पौधे भी लगाए गए और रैलियों के जरिए लोगों से पर्यावरण संरक्षण के लिए योगदान मांगा गया। आज जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर हमारा मिशन लाइफ मेरा शहर सबसे सुंदर प्रोग्राम का कल्मिनेशन किया गया और इसके तहत हमारा पूरा ये RRR कैंपेन रिसाइकिल रीयूज जो है, इसका जो हमारा कैंपेन जो है पूरे 20 तारीख से लेकर हमारा 5 जून तक ये कंटिन्यूस हमारा कैंपेन चला और आज इसका कल्मिनेशन किया गया, जिसमें हमने जो चीज़ें इकट्ठी की उसको आज उसमें हम जो नीडी लोग हैं उनके बीच में हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसमें हमारा बहुत बड़े नंबर में लोगों ने अपने कपड़े जो वो यूज़ नहीं कर रहे थे वो डोनेट किए, जिसको हम अब दूसरे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जो उसको लेना चाहते हैं, जो उनको यूज़ करना चाहते हैं। इसी तरीके से बुक्स, टॉयज, शूज़, ये सब हमने जो है पिछले जो है वो 15 दिनों के इस कैंपेन के दौरान हमने इनको कलेक्ट किया और आज इसके कल्मिनेशन पर इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। और इसके साथ ही जो इस साल की हमारी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की जो थीम है बीट द प्लास्टिक, उसके ऊपर भी लोगों को जागरूक किया गया और उसके साथ ही आज जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा गांधीनगर एरिया में एक सैनिटेशन ड्राइव भी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के उपलक्ष्य में की जाएगी। तो हमारी तो यही सबसे कि अगर हमें आगे जीना है और हमने अपने बच्चों के लिए कुछ करना है तो इस दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य का अगर काम है तो वो पौधों को लगाना है, क्योंकि पौधे होंगे, अच्छी हवा होगी तो हम और हमारे बच्चे जो कि देश का आने वाला भविष्य हैं वो तंदुरुस्ती के साथ जिएंगे, मज़े से जिएंगे। और आपने देखा होगा कि कितना पोल्यूशन चारों तरफ है, चाहे वो प्लास्टिक का है, चाहे वो डीजल पेट्रोल का है, किसी भी किस्म का। हमें इस पर सबको मिल के कंट्रोल करना है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के हैं वो पूरी ताकत के साथ पॉल्यूशन फ्री, जो वो चाहते हैं कि देश, इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया में जो पॉल्यूशन खत्म हो जाए और जो एनवायरनमेंट है वो आगे आए, ज्यादा से ज्यादा हम प्लांटेशन करें। इसका मेन है कि हम प्लांटेशन जितनी कर दें। जय माता दी। जैसे आपको पता है कि आज हम अपना वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसका इस साल का थीम जो है वो है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन।
तो हमें इस बार जो है आपने जो प्लास्टिक वेस्ट है जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है हमारे इन्वायरमेंट को हो रही है, चाहे आप वाटर पोल्यूशन की बात करो, जब हमारा प्लास्टिक उड़ के वाटर पोल्यूशन वाटर में जाता है तो वहाँ पे जो हमारी स्पीसीज हैं और इवन वाटर को डैमेज करता है, जब सॉइल में जाता है जो डिकम्पोज नहीं होता है उसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन होता है, और हवा में जब आप बर्न करते हैं, लोग ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिस चलती आ रही है कि हम लोग उसको बर्न करते हैं जब प्लास्टिक को, तो उससे एयर पोल्यूशन होता है। इस साल का थीम जो है स्पेसिफिकली पॉलीथीन से रिलेटेड है, जिसमें कि अगर हम बात करें कि हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बार प्लॉगिंग ड्राइव जो है एक सिंबॉलिक स्टार्ट की थी, और हम कंटिन्यूसली आपको बताते हैं कि पिछले एक डेढ़ साल से हम कंटिन्यूसली जो है नेशनल हाईवे पे और सिटीज में जो है प्लॉगिंग ड्राइव प्लास्टिक को पिक करने वाली वो कंटिन्यूसली कर रहे हैं, और इस साल भी हमने एनवायरमेंट डे पे स्पेशली आज की, जिसमें कि दोमेल से लेके रियासी तक पूरे हाईवे पे हमारे विभिन्न डिपार्टमेंट्स ने, एनजीओज ने और कॉमन लोगों ने मिलके, हमारे रियासीवासियों ने मिलके इस प्लॉगिंग ड्राइव में साथ दिया। सो आज सबको पता है आज एनवायरमेंट डे है, तो हर साल एनवायरमेंट डे 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए किया जाता है कि हमको अपने एनवायरमेंट को सेव करना चाहिए, हमको एफॉरेस्टेशन करनी चाहिए, डिफॉरेस्टेशन नहीं करनी चाहिए। और ये सबसे पहले 1972 में इस्टेब्लिश किया गया था यूएन से, यूनाइटेड नेशन से, तो उस टाइम 150 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था इस एनवायरमेंट डे में। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।